नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल के पेरेंट्स जब अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाने के बारे में सोचते हैं तब LKG और UKG शब्द सुनने को मिलते हैं। तो क्या आपको पता है कि LKG और UKG क्या होता है, LKG और UKG की फुल फॉर्म क्या होती है? तो चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं LKG की। LKG की फुल फॉर्म होती है लोअर किंडरगार्टन। जी हाँ, लोअर किंडरगार्टन। किंडरगार्टन ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसमें किंडर का अर्थ है बच्चे और गार्टन का अर्थ है बाग या बगीचा। किंडरगार्टन को हिंदी में बाल विहार या बालवाड़ी कहा जाता है। LKG में 3 से 4 साल के बच्चों को पढ़ाया जाता है। LKG के बच्चों के लिए स्कूल में एक ग्राउंड होता है जिनमें बच्चों को खेल खेल में कुछ लर्निंग एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिनमें सुंदर और आकर्षक चित्रों एवं खिलौनों के जरिए बच्चों को जानवरों, पक्षियों, फूलों, सब्जियों और फलों के नाम बताए जाते हैं। साथ ही साथ उन्हें रंगों के नाम भी सिखाए जाते हैं। अब हम जानेंगे UKG के बारे में। UKG की फुल फॉर्म होती है अपर किंडरगार्टन, जिसे हिंदी में हम ऊपरी बालवाड़ी कह सकते हैं। LKG के बाद बच्चे UKG में पहुंचते हैं। इस क्लास में 4 से 5 साल के बच्चे पढ़ते हैं। UKG में बच्चों को खेलकूद, लर्निंग ऑफ नंबर्स, सामान्य बोलचाल के शब्द, व्यवहार, पोएम्स और ड्राइंग सिखाई जाती है। साथ ही साथ इन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा भी दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।